Again to Polyda Academy, this is standard 7. So this is first chapter, nutrition in plants. So today we'll discuss the first chapter of standard 7. So I know that you are facing much more problem in your homework or in your long question answer. So today I will discuss about all short question answer and long question answer, okay? So you must watch this video and like, share and subscribe my channel. Thank you. Okay, let's start. So first is time to answer. Okay, time to answer. Pehle hum time to answer dekhenge, uske baad dheere dheere question answer mein jayenge. So dyas are the living things that can prepare their own food. So green plants. Okay, green plants are the living things. So the mode of nutrition in which organisms can prepare their food is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Question number C. The end product of photosynthesis are glucose and oxygen. So carbon dioxide enter the leaves through the stomata. ये सब के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है टाइम टू आंसर, इसको भी हम करेंगे एग्जाम में, ये भी आएगा, आ सकता है. Dash and dash help to maintain the balance of oxygen and carbon dioxide on the earth. So animals and plants. Okay, then next. So this is another time to answer. So page number 6, just watch. Okay, so all plants can prepare their own food. No, क्योंकि कुछ है जो खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते. कॉस्कुटा हो गया, या तुम्हारा अमरबेल हो गया, या मशरूम हो गया, ये सब नहीं कर सकते. ओके, देन वेनस फ्लाईट्रैप इज ए पैरासिटिक प्लांट. वेनस फ्लाईट्रैप नो, इंसेक्टिवरस प्लांट, नॉट पैरासिटिक प्लांट. मशरूम एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स. यस, ए सिम्बायोटिक रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन फंगस एंड ग्रीन एल्गा इन लाइकेंस. यस, ट्रू. सो राइजोबियम इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ओके, ये भी ट्रू है. ओके, यस, देन नेक्स्ट. सो नाउ वी आर कमिंग टू द बुक क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मतलब कि नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है. ओके, ओके, ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहाँ पर कुछ काम नहीं है. ओके, सो देन दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू व्हाट. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमाटा. थ्रू स्टोमाटा, ये वाला आंसर, थ्रू स्टोमाटा. देन क्वेश्चन नंबर सी. द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. देन क्वेश्चन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ आयोडीन सॉल्यूशन. स्टार्च. आंसर इज स्टार्च. ओके, आंसर इज स्टार्च. सो इसको थोड़ा मार्क कर लेना है. ओके, स्टार्च. देन नेक्स्ट. इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट. What purpose? Nitrogen. Insectivorous plants trap insects to fulfill the requirements of nitrogen. The next, two organisms that live together to benefit from each other are called symbiotic. Symbiotic. Okay. Then question number 2 discussion करेंगे, ऊपर थोड़ा चलेंगे. So first question is carbon dioxide is the end product of photosynthesis. False. Oxygen. Oxygen is the end product of photosynthesis. Then question number B. All plants are autotrophs. False. Autotroph nahi hai. So insectivorous plants trap insects to obtain nitrogen. Ye true hai. Ye true hai. Then the extra food present in the plants gets stored as starch. Ye bhi true hai. Then next question. When a leaf is bleached, it does not lose its green color. True. When a leaf is bleached, it does not lose its green color. Sorry, ये false है. ये false है.
ये व्हेन ए लीफ इज ब्लीस्ड इट डज नॉट लूज इट्स ग्रीन कलर, ये फॉल्स, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ओके इसको थोड़ा फॉल्स लिखना है, ये फॉल्स है। देन ये वाले क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन पर ये वाले जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसको मैंने कॉपी में लिखा हूँ, इसको कॉपी में देखेंगे ओके। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सो 4 नंबर पहले बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको कर दो, उसके बाद में कॉपी में चलेंगे वहाँ पर लिखेंगे। वेरिगेटेड लीव्स कॉलियोस एंड हिबिस्कस, पैरासिटिक प्लांट्स कॉस्कुटा मेल्स्टो मेजल्टो, देन साप्रोफाइट मशरूम एंड मोल्ड्स, इंसेक्टिवरस प्लांट पीचर एंड वेनस फ्लाइट्रैप, सिम्बायोटिक प्लांट्स मैरीगोल्ड रोजमेरी, ओके मैरीगोल्ड एंड रोजमेरी। तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड रिराइट, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 इसको पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जाएंगे दूसरे क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन था द लीव्स, ये था अंडरलाइन, द लीव्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट हैव राइजोबियम, नो द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स हैव राइजोबियम। देन क्वेश्चन नंबर बी द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल नॉट अ प्रोटोप्लाज्म, ओके। देन नेक्स्ट, देन फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, नो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल ट्रैप्स ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ए मशरूम इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड अल्जा, लाइकेंस इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड अल्जा, ओके। सो मशरूम शोज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मशरूम शोज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके हॉट हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सो नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स इज कॉस्कुटा, कॉस्कुटा इज ए पैरासिटिक प्लांट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, व्हाट आर लाइकेंस, लाइकेंस आर द ऑर्गेनिज्म इन विच फंगस एंड ए ग्रीन एल्जा लीव एसोसिएशन विद ईच अदर, ओके। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन जाएंगे, डिफाइन न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ओके पॉज करो लिखो। Why does saprophytes not make their own food? Saprophytes have no chlorophyll so that they cannot make their own food. Okay. Then question number C. Why does a farmer add manure or fertilizer to the soil? Farmer add manure or fertilizer to increase the fertility of the soil. To increase fertility of the soil. इसीलिए farmer डालता है. Then next question. How does a pitcher plant trap insects? In a pitcher plant, the leaves are modified into a pitcher-like structure which is lined with downward pointing hair that do not allow the trapped insect to escape. So, इसी तरह ये क्या करता है? अपना शिकार को खाता है. Then long question answer. So, distinguish between autotrophic and heterotrophic nutrition. इसके बारे में हमने पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन को देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दर ओन फूड, जो अपना फूड बनाता है खुद उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे का खाना खाता है। सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर दर ओन फूड डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल देखेंगे, माइस प्लांट, वीट प्लांट, एनी टाइप ऑफ ग्रीन प्लांट, ओके। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे तो मशरूम, वेनस फ्लाइट्रैप, ये सब हो गए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके।
देन नेक्स्ट में चलेंगे. सो डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासाइट एंड साप्रोफाइट्स. पैरासाइट क्या है और साप्रोफाइट्स क्या है. पैरासाइट्स प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड. साप्रोफाइट्स प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. साप्रोफाइट्स पैरासाइट्स ये दूसरों का खून पी जाते हैं और दूसरों का खाना भी खा जाते हैं. पैरासाइट्स प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड. अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं बट साप्रोफाइट क्या करते हैं ना, डेड और डिकिंग एंड मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. एग्जाम्पल अगर देखेंगे कॉस्कुटम, मिजल्टो एक्सेट्रा. और एग्जाम्पल इसका अगर देखेंगे साप्रोफाइट्स का, मशरूम, मोल्ड्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, व्हाट आर इंसेक्टिवरस प्लांट, एक्सप्लेन विथ टू एग्जाम्पल हाउ दे ट्रैप एंड कंज्यूम इंसेक्ट्स. द प्लांट्स विच ईट स्मॉल इंसेक्ट स्पाइडर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट्स. जो सब इंसेक्ट को खाते हैं उसको हम इंसेक्टिवरस प्लांट बोलेंगे. ओके तो इसका देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये खाते हैं. ओके सो फर्स्ट पॉइंट, इन पिचर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर दैट डू नॉट अलाउ द ट्रैप्ड टू एस्केप. व्हेन एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन द पिचर प्लांट इट गेट्स एंटैंगल्ड इन द हेयर एंड इज डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ पिचर प्लांट. ओके ये क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस निकल जाता है तो उसको ये पकड़ लेता है, वो अपने जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर का जो लीफ होता है उसमें ये खा लेता है और अपना नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है. देन वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, इन वेनस फ्लाई ट्रैप द लीव्स आर मॉडिफाइड इन ए ट्रैप द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट स्टिफ हेयर. व्हेन एन इंसेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस हेयर द टू लोब्स ऑफ द लीव्स गेट क्लोज्ड एंड इंसेक्ट गेट. ओके ये क्या करता है ना, क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर रह जाता है. देन कहते हैं ना, ट्रैप इनसाइड इट व्हेन इज द डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन. देन उसके अंदर से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है इसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है. देन क्वेश्चन नंबर डी, लीव्स द बेनिफिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बेनिफिट्स क्या होता है, द फोटोसिंथेसिस एनेबल्स ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विच दे यूज फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल. द एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. देन ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट्स, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर. ओके O2 मतलब कि ऑक्सीजन, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड. ओके देन नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, एक्सप्लेन एन एग्जांपल. सो एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इज विच बोथ म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, सिम्बायोटिक रिलेशन. तो एक्सप्लेन करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन को. सो लाइकेंस आर ऑर्गेनिज्म इन विच फंगस एंड ग्रीन अल्जा लिव इन एसोसिएशन विद ईच अदर. द फंगस गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अल्जा एंड द अल्जा गेट्स वाटर मिनरल्स एंड सल्ट फ्रॉम द फंगस. ओके दिस इज द रिलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन. सो यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है और आप लोग पिछले जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, अगर इस वीडियो में कमेंट करोगे तो मुझे फिर दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाने में खुशी होगी. ओके और जैसे कि पिछले चैप्टर मतलब कि साल में आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइबर कर रहे थे, अभी अगर जो नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मैं आपको आपके लिए नया नया वीडियो डालता रहूँगा. ओके थैंक यू.